घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सनातन यज्ञ में एक आहुति है। दुर्गम और विलक्षण स्थान को पार करके हम पहुंचते हैं कालियाकुंड तक। आपने देखा अभी कालियाकुंड पर, कालियाकुंड के बारे में ये किंवदंती है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका के लिए जा रहे थे, वो इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे और यहीं पर कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम भी किया था और यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करके पूजन अर्चन किया था। कहते कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, उसी समय क्षेत्र के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि यहाँ पर कालिया नाम का एक दैत्य उन्हें परेशान करता है, ऋषि मुनियों को खा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया दैत्य का यहीं पर संहार किया था। बेहद विलक्षण और रोचक है यहाँ की कथा। कहते हैं कि उस कुंड में जब भी कोई आदमी स्नान करने जाता है, आज भी वहां उसे गर्जन सुनाई देती है। केदारनाथ के पास में ही है कालिया कुंड। कालिया कुंड के बारे में हम जब यहाँ के श्री महान से बात करते हैं तो मुझे कथा बताते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब इस रास्ते से द्वारिका के लिए जा रहे थे, तभी यहाँ वो केदारनाथ की पूजा के लिए रुके। तभी आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ कालिया नाम का एक दैत्य उन्हें परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर कालिया दैत्य का संहार करके उन्हें मोक्ष प्रदान की थी। वो स्थान आज भी यहाँ विद्यमान है। इसी कुंड में एक पत्थर है जिसे कालिया दैत्य कहा जाता है। हालांकि ये पूरा पहाड़ लाल रंग के पत्थर का है, लेकिन वो पत्थर जिसे कालिया कहा जाता है वो एक सफ़ेद रंग का पत्थर है और अजीब सा उसकी आकृति भी अजीबोगरीब है। लोग उसे कालिया दैत्य ही मानते हैं। किंवदंत यह है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से एक महीना पहले, यहाँ के श्रीमंत का कहना है कि एक कोई व्यक्ति उसी कालिया कुंड में स्नान कर रहा था, तभी एक जोर गर्जना हुई जिससे वो डर के यहाँ भाग गया। ये कारण है कि आज भी कोई भी आदमी यहाँ आता नहीं है और इसके पास में कोई भी इसके जल को स्पर्श नहीं करता है। ये जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ वो इतना भीड़ है कि यहाँ पर इंसान नाम की चीज़ नहीं है और यहाँ कोई आता ही नहीं है। चूँकि कालिया का आतंक भले ही द्वापर में रहा हो, आज भी उनके डर से लोग यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन सनातन की टीम पहुँची है उस स्थान के ऊपर। हम दिखाना चाहते हैं केदारनाथ के इस विलक्षण स्थान को जिसे कालिया के नाम से। ये थे मध्य प्रदेश के जनपद गुना स्थित केदारनाथ बाबा के दर्शन। चार युगों से लगातार बाबा केदारनाथ यहाँ बैठकर भक्तों के कष्टों को हर रहे हैं। चारों तरफ लाल पहाड़ और लाल पहाड़ में 155 फीट नीचे गहराई में बाबा केदारनाथ विद्यमान हैं। बाबा केदारनाथ पर चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से गंगा का झरना प्रवाहित होता रहता है। बाबा केदारनाथ के बाद गुप्त गोदावरी, सिद्ध बाबा और काली कुंड के हमने आपको दर्शन कराए। यह स्थान अत्यंत पावन माना जाता है। यहाँ के महाश्री महंत का ये मानना है कि एक बार सच्चे हृदय से जो आदमी इस स्थान पर आ जाता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं गुना के ही किसी और पौराणिक स्थान पर।